हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, मास और वेट में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं पर लिख देता हूँ। द्रव्यमान तथा भार, मास एंड वेट। तो द्रव्यमान और मास में क्या होता है, कुछ अंतर होता है जो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो एक तरफ आप द्रव्यमान लिख दो, एक तरफ आप भार लिख दो। अगर हम बात करें कि द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जबकि जो भार होता है, कि भार क्या होता है कि किसी वस्तु को उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाने में जो बल लगाया जाता है उसे भार कहते हैं। तो भार हो गया किसी वस्तु को उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाने में लगाया गया बल भार कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है समान होता है, वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, सभी जगह का मतलब कि सभी ग्रह पर, चाहे आप चांद पर बात करो, चाहे आप जुपिटर की बात करो, चाहे आप किसी भी ग्रह की बात करो, वहां पर वस्तु का द्रव्यमान है जो समान होता है, जबकि जो भार होता है ना वो अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग होता है। वस्तु का भार अलग 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 ग्रहों पर अलग अलग होता है। भार क्या होता है कि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। ठीक है, तीसरा होता है कि जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना वो कभी शून्य नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। या शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है, जबकि जो भार होता है ना, वस्तु का जो भार होता है ना वो शून्य हो सकता है। किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। देखो, ये तो मैंने अभी क्या आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखा है, अभी मैं इसको एग्जांपल से आपको कंप्लीट कराऊंगा। क्या लिखा मैंने कि द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, जबकि जो भार होता है वो क्या होता है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, किसी वस्तु को उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाने में लगाया गया बल होता है। ठीक है, और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पर हो, चाहे बृहस्पति पर हो, सब जगह समान होता है, लेकिन वस्तु का जो भार होगा वो अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होगा।
और जो तीसरा पॉइंट है कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है ना शून्य नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ मात्रा होगी, लेकिन किसी वस्तु का भार शून्य हो सकता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मेरे पास में एक बोरी है जिसके अंदर 30 किलो गेहूं भरा हुआ है, एक बोरी जिसके अंदर 30 किलो पदार्थ की मात्रा भरी हुई है, तो जो 30 किलो पदार्थ की मात्रा भरी हुई है ये क्या द्रव्यमान है? जो एक बोरी है मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, एक बोरी है जिस जैसे गेहूं की बोरी है, जिसके अंदर गेहूं मतलब जो पदार्थ की मात्रा है वो 30 केजी है, तो ये 30 केजी है वो क्या इसका द्रव्यमान है? 30 केजी क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका भार। जैसे कि ये जो गेहूं की बोरी है वो रखी हुई है अपने पृथ्वी पर रखी हुई है, तो मैं इसको उठाना चाहता हूँ, तो इसको उठाने के लिए मुझे क्या होता है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध एक बल लगाना पड़ता है, वो इसका भार होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है जो कि वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका गुरुत्व जैसे इसका भार कितना होगा, तो भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है, ये भार होता है ना, भार डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में जो एम है मास कितना है वो 30 है, और जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, सॉरी पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम इसको 10 ले लेते हैं अभी के लिए ना, 10 भी होता है, तो 10 ले लेते हैं, तो पृथ्वी का जो बार बार वो बोरी का जो बार निकलेगा वो हो जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है। तो बार कितना है? 300 न्यूटन आया। तो द्रव्यमान क्या हो गया? पहला पॉइंट से देखो, पहला पॉइंट वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया 30 केजी, जबकि जो उसको विरुद्ध उठाने में जो बल लगाया गया वो कितना है 300 न्यूटन, और ये क्या है? बार है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैंने कहा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान होता है। अब देखो ये मैंने पृथ्वी के लिए बात की, अब जैसे मैं इस बोरी को उठाकर मैं बृहस्पति पे चला जाऊं या मैं मून पे चला जाऊं, तो क्या होगा कि वहां पर अगर आप इसका वेट को जब आप इसका द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो वो 30 किलो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि उसका भार अलग अलग होगा। भार अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा पर जो भार लगता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना लगता है। जैसे कि अगर पृथ्वी पर कितना लग रहा है 300 लग रहा है, तो चंद्रमा पर जो भार लगेगा वो इसका 1/6 मतलब 300/6 लगेगा, मतलब कि 50 न्यूटन, मतलब कि वो जिस वस्तु को पृथ्वी पर उठाने के लिए 300 न्यूटन का बल लग रहा था उसी वस्तु को चंद्रमा पर उठाने के लिए आपको केवल 50 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, जो आसानी से हो जाती है, आसानी से उठ जाता है। अगर मैं बड़े ग्रह की बात करूं, जैसे कि चंद्रमा तो अपने पृथ्वी से छोटा है, लेकिन जब मैं जुपिटर की बात करूं तो ये पृथ्वी से बड़ा है, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल गुरुत्व बल होता है वो भी पृथ्वी की तुलना में बड़ा होता है, तो उसका जो बल होता है गुरुत्व बल वो होता है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे उसके अगर मैं निकालू इसका भार कितना होगा, तो 30 × 25, क्योंकि मास तो कितना अपना 30 है और जो गुरुत्व बल है 25 है, तो आप देखो 750 न्यूटन। तो वहां पर हमको इतना बल लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए 750 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि द्रव्यमान तो वहां पर भी कितना रहेगा 30 ही रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पर ले जाओ चाहे जुपिटर पर ले जाओ या अंतरिक्ष में भी ले स्पेस में भी ले जाओ, तो भी आपकी कितना रहेगा जो उसका द्रव्यमान रहेगा वो 30 केजी रहेगा, लेकिन उसका जो भार होगा अलग अलग होगा। तीसरे नंबर पर हमने बात की कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होता, यह शून्य नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मतलब अगर 30 केजी है तो सब जगह 30 केजी रहेगा, ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ से चंद्रमा पर चला जाऊँ तो 15 किलो कम बढ़ जाएगा 20 किलो कम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो 30 का 30 ही रहेगा। लेकिन किसी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य हो सकता है। जैसे शून्य कब होगा? जैसे कि अगर हम स्पेस में बात करें तो स्पेस के अंदर क्या होता है? ग्रेविटी नहीं होती है, वहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता, तो वहां पर जो गुरुत्व बल होता है शून्य होता है। तो अगर वहां पर अगर मैं बल की बात करूं तो वहां पर जीरो होगा। कैसे होगा जो देखो, सिंपल सी बात है, क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी, 30 है और वहां पर कोई गुरुत्व बल होता है जीरो, तो ये क्या होगा? 0 न्यूटन। तो वहां पर कोई बल कार्य बोली नहीं लगता है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्पेस है उसके अंदर वस्तु उड़ती रहती है। तो ये थे मतलब बेसिक थे इनके डिफरेंस कि क्या होते हैं कि उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। जैसे कि बोरी उसको मात्रा कितनी है 30 केजी है, ठीक है, और उसमें और भार क्या होता है? भार उसका क्या होता है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध उठाने में लगाया गया बल, किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध उठाने में लगाया गया बल भार कहलाता है। और द्रव्यमान सब जगह सेम होता है, चाहे आप पृथ्वी पर चाहे आप चंद्रमा पर चाहे जुपिटर पर चाहे और किसी भी ग्रह पर, आपको वो 30 केजी रहेगा, वो अलग अलग वस्तु का अलग अलग होगा ना, और वस्तु का भार अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। जैसे बात की चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है, तो जुपिटर उससे भी ज्यादा होता है, और अगर स्पेस में बात करें तो शून्य होता है। तो ये बेसिक जानकारी थी द्रव्यमान और भार के बारे में,
तो ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।